हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दी राडा सिस्टर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे हो, बढ़िया हो। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये मेकअप लुक, जो आप देख सकते हो, वेडिंग मेकअप लुक। आप लोगों का कमेंट में आया था कि वेडिंग मेकअप लुक लेके आओ, तो मैं वेडिंग मेकअप लुक लेके आई हूँ, ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे। तो देखो गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है करने में। मैं तुमको प्रोसेस बताऊँगी आगे अभी, पर ये बहुत ज़्यादा इजी है और मैं यही मेकअप लुक हर जगह लेके जाती हूँ अपनी। जहाँ भी मैं वेडिंग में जाती हूँ तो मैं यही मेकअप करती हूँ हर जगह, मतलब कहीं कहीं मेरी अपनों की शादी में तो, ठीक है, ऐसे शादियों में मैं ज़्यादा जाती हूँ ऊपर। और आप देख सकते हो, और मैंने बिंदी लगाई है। ऐसे मैं बिंदी लगाती नहीं हूँ, बट ये अच्छा लग रहा था इसके साथ, तो मैंने बिंदी लगा दी। ऑफकोर्स वेडिंग में कुछ कुछ लड़कियाँ नहीं लगाती हैं, उन कुछ में मैं भी आती हूँ, बट जो बाकी की हैं वो बिंदी लगाती है, तो मैंने भी बिंदी लगा ली, तो वो अच्छी लग रही है। तो गाइज़ ये मेरा वेडिंग मेकअप लुक है। तो उस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, मेकअप की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और मैं तुमको बताती हूँ, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, ठीक है? ओके गाइज, तो स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो गाइस, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, तो हम अपना डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है और पहले मैं अपने बाल अच्छे से टाई कर लूँ, बिकॉज ये मेरे मुंह पे आते हैं, मैं क्या करूँ। आई होप प्राइमर यूज करेंगे। तो प्राइमर हो गया है, ठीक है, अब हम डायरेक्ट दो कंसीलर यूज करेंगे। इसको प्राण को लेके जा रही है क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा है। प्राण मुझे बहुत परेशान कर रहा है और ये अपने अपने रूम में चले गए, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे शांति से वीडियो नहीं बनाने दे रहे। तो मैंने कंसीलर लगा दिया और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके आती हूँ। गाइस, जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है उनको थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज मेरे साथ प्रहान है, ये मान नहीं रहा। और जब भी मैं मेकअप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, ये मेरे ब्रशेस के साथ खेलने आ जाता है, तो प्लीज़ उसकी आवाज़ इग्नोर कर देना। तो मेरा, मैंने कंसीलर ब्लेंड कर लिया अच्छे से, अब मैं इसको सेट करूँगी लूज पाउडर से। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। प्रहान ने मेरे सारे ब्रशेस नीचे गिरा दिए, मैं क्या करूँ बाबू, गंदी बात, इसे नहीं करते। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी, मेरे बाल देख रहे हो तुम कैसे आ रहे हैं आगे आगे, ऐसे ही आते रहेंगे पर इनको इग्नोर करके। हम सबसे पहले अपनी आईब्रोज कर लेते हैं, कि मैं वहाँ देख के नहीं कर सकती, मैं नहीं देख के कर सकती। ये वाली हो गई, अब ये वाली करते हैं।
छूट गया था मुझसे। तो मेरी दोनों आईब्रोज हो गई हैं। अब मैं सबसे पहले अपना ये क्लीन करूंगी, तुमको पता है मेरा प्रोसेस में क्या करती हूँ, फाउंडेशन लगाऊंगी। या मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। तो मैंने देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पूरा बेस अपना। अब मैं डायरेक्ट आई मेकअप करूंगी। पहले आई मेकअप के लिए मैं ये दो पैलेट यूज करूंगी जो कि है स्विस ब्यूटी से। आई मेकअप मैं वेडिंग लुक के लिए बहुत सिंपल करूंगी क्योंकि ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, नॉर्मल जो मैं करती हूँ हर वेडिंग में वो वाला कर रही हूँ। ठीक है, तो हम एक ब्राउन शेड लेंगे लाइट सा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी आईज पे इसको ब्लेंड करेंगे। देखो मैं अपना मिरर देखती हूँ। सेम आईज पे भी हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो हमने एक लाइट शेड लगा लिया है ब्राउन का। ठीक है, फिर हम दूसरी पैलेट से लेंगे ये डार्क ब्राउन शेड। ठीक है, और ये हम पतला सा ब्रश लेंगे। अपनी आईज की कॉर्नर्स पे लगाएंगे। शाइन करा, उसने मेरे पूरे ब्रशेस इधर उधर कर दिए। मेरे को ऐसे ढूंढने पड़ रहा है कि कहाँ रख दिए इसने मेरे पैलेट्स, कहाँ रख दिए। उफ, क्या करूँ मैं इस लड़के का। और जब तक मैं नहीं जाऊँगी ना यहाँ पे से, तब तक नहीं हटेगा, तुम समझ रहे हो। तो मतलब जब तक ये सारा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे खड़ा रहेगा मेरे साथ। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। ठीक है, ये ब्लेंड हो चुका है अच्छे से। ठीक है, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली इसके ऊपर। कुछ शिमर लगाना पसंद है, शाइनी चाहिए अपने आईज, तो आप ग्लिटर या कुछ भी यूज कर सकते हो, शिमर आई शेडो यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगी। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे इसके ऊपर शिमर यूज़ कर सकते हो। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर ताकि ये लुक थोड़ा और इन्हेंस हो सके। आईलाइनर हो गया है जो कि ठीक ही ठाक लगा आज, क्योंकि बाहर मुझे इतना परेशान कर रहा है ना। ठीक है, जैसा भी लगा है वो हो जाएगा ठीक, अभी मैनेज हो जाएगा थोड़ी देर में। गाइस, आईलाइनर मेरा हो गया है जो कि ठीक ठाक लग रहा है अभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं अपनी, है वो है ब्लश और कंटूरिंग। तो पहले हम कंटूरिंग करेंगे, तो हम ये पैलेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये पैलेट यूज़ करेंगे
पे मेरा डार्क शेड, वो मेरे फेस का कट, तो मैं उसको ही फॉलो करती हूँ कंटूरिंग के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे ब्लश, इसी पैलेट से लूंगी। ठीक है, मस्कारा लगाएंगे। ठीक है, मैं अपना मस्कारा लेती हूँ, मस्कारा लगाते हैं। गाइस मस्कारा हो गया है और ये मैंने मेबलिन का मस्कारा हाइपर कर्ल यूज किया है। अब मैं थोड़ा अपने अंडर आईज पे आई शेडो लगाऊंगी। और मैं ये व्हाइट काजल लगाऊंगी लैशेस लाइन पे। आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये सिंपल इजी, लाइक दो शेड आई शेडो चाहिए और व्हाइट काजल तुम्हारे ऊपर है कि तुमको लगाना है कि नहीं लगाना है। और ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने तुमको सारी प्रोसेस दिखा दी ये कितना इजी है। हमारा लास्ट प्रोसेस बचा है, वो है लिपस्टिक। पहले हम लाइन करेंगे अपने लिप्स को। तो मैंने लिप्स लाइन कर ली है, अब मैं ये जूडियो के लिपस्टिक लगाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ये शेड और शादियों में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसको न्यूड बनाने के लिए थोड़ा इसमें न्यूड कलर मिक्स करूंगी, लाइट कलर। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस मेरा मेकअप हो गया है, अब मैं तुमको अपना फाइनल लुक बताती हूँ और दो मिनट में आती हूँ। ठीक है, यहीं पे रहना। तो गाइस मेरा फाइनल लुक है ये, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पर एक चीज़, वेडिंग लुक बिना बिंदी के कैसे हो सकती है? तो मैं ट्राई करती हूँ, मुझ पर अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। अच्छी लग रही है, तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। और इन बालों में ना बहुत मुश्किल है यार एडजस्ट करना। तो गाइज ये मेरा फाइनल लुक है, और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा मेकअप लुक कैसा, मतलब मेरा मेकअप कैसा पसंद आया है। और ये मेरा नॉर्मल सिंपल, और जहाँ भी मैं वेडिंग में जाती हूँ यही मेकअप करती हूँ सेम। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और अगर तुमको ऐसी और भी वीडियोज़ देखनी है तो वो भी मुझे बताना कमेंट्स में, नई मेकअप लुक लेके आऊँगी। और आप मेरे को बताना कि आपको कैसा नया देखना है, लाइक कैसा मेकअप देखना है आगे। तो आप लोगों के डिमांड पे मैं ये मेकअप वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों ने बोला कि वेडिंग मेकअप लुक लेके आओ, तो मैं वेडिंग मेकअप लुक लेके आई हूँ। ठीक है, तो मुझे आगे जाके बताना कमेंट में कि नेक्स्ट लुक में क्या लेके आऊँ। ठीक है गाइस, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय।
लव यू गाइज।